नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। आज के इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। यहाँ जो अगली सी मतलब अलग सी एक न्यूज आ रही है वो आ रही है मेरी तरफ से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो आप इस वीडियो में थोड़ा बहुत चेंज देख रहे होंगे, लाइटिंग में थोड़ी बेटर लग रही होगी शायद। अगर लग रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए मतलब एक काइंड ऑफ सॉफ्ट बॉक्स बनाया है लाइटिंग के लिए। दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये जो है वो है इस सॉफ्ट बॉक्स जो कि मैंने फिलहाल तैयार किया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा बना है। तो फ्रेंड, यहाँ जो सबसे पहली न्यूज आती है वो आती है वन प्लस सिक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है वन प्लस सिक्स के सीईओ ने जो है ट्विटर पर ये कन्फर्म कर दिया कि वन प्लस सिक्स आपको इस साल देखने को मिलेगा। वो तो खैर हमें भी पता है मिलेगा, लेकिन ये जो है उसकी लॉन्चिंग हो सकती है अप्रैल या जून तक के पीरियड में। यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा फिक्स्ड डेट नहीं बताई, लेकिन इतना मतलब सीईओ ने कंफर्म करा है कि लॉन्च होगा अप्रैल से जून तक के डेट में। तो देखते हैं कब आता है और किस तरीके से आएगा फ़ोन, इसके लिए तो यार सभी तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड, अगली न्यूज़ आती है वो आती है वन प्लस 5T की तरफ से। तो डेफिनेटली यार आने वाली है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे के ऊपर जो है यहाँ पर एक ऑफर आपको देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वन प्लस 30 काफ़ी अच्छे सस्ते में खरीद सकते हैं। जो प्राइसिंग है उसमें मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1500 यानी 1500 रुपये का डिस्काउंट। और साथ ही साथ अमेजोन पे से पे के जरिए खरीदने से जो है आपको यहाँ पर इंस्टेंट 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ मतलब अच्छा टाइम है खरीदने के लिए। यहाँ पर आपको रेड कलर का वेरिएंट भी इसी सारे कैशबैक ऑफर के साथ मिलता है। फिर जो अगली न्यूज आती है वो आती है हमारे शाओमी के मी मिक्स 2S की तरफ से। यानी यार मतलब इसके बारे में लीक्स आई थी कि आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ लीक्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग पहले कहा जा रहा था कि ये जो है सर्च 2 शाओमी के खुद के प्रोसेसर सर्च 2 पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मतलब आपको बेंचमार्किंग लिस्टिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो फ़ोन है वो आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको मतलब अंतुर्दु बेंचमार्किंग में जो है इसे देखा गया था। तो यहाँ पर जो है कोड नेम इसका रखा गया पोलारिस और यहाँ पर मतलब स्नैपड्रैगन 845 तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो है बेंचमार्किंग जो है उसकी बहुत अच्छी है। बेंचमार्क स्कोर जो है इसके वो हैं 270,461। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है हमारे शाओमी रेडमी नोट 5 की तरफ से। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर जैसे ही इनवाइट भेजा है मीडिया को शाओमी ने, तो यहाँ पर बिग 5 देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हैं कि शाओमी का 5 रेडमी 5 आएगा या रेडमी नोट 5। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं रेडमी नोट 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स ने जो है mi.com की वेबसाइट पे जाके चेक किया, उसकी जावा मतलब जो HTML स्क्रिप्टिंग है उसको चेक किया, तो वहाँ उन्हें पता चला कि ये जो फ़ोन है वो Redmi Note 5 होने वाला है। यहाँ पर लिस्टिंग की गई है उसकी JavaScript में, और यहाँ पर मतलब कोड नेम भी यूज़ किया है ऑलराउंडर, जो कि पिछले साल नोट 4 में यूज़ किया गया था। तो यहाँ तक बहुत हद तक हम हद से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 70-80% हम श्योर हैं कि यहाँ पर आपको रेडमी नोट 5 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है ऑनर के 7X की तरफ से। तो यहाँ पर जो है ऑनर 7X को आपको पहले सिर्फ ऑनलाइन मार्केट्स में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है ऑनर 7X अब आपको ऑफलाइन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। वो मिलेगा अगले फरवरी यानी कि 9th फरवरी, अगले फ्राइडे यानी 9th फरवरी को। तो यहाँ पर मतलब प्राइसिंग होगी वो होगी 16,000 रुपीज़, जो कि आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो अगर आप ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते हैं, आईफोन 8 वाले इंसिडेंट को देख के और ज़्यादा डर गए हैं, जहाँ पर आपको डिटर्जेंट सोप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट जाके आप इसे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है हमारे इंडियन मैसेजिंग ऐप हाइक की तरफ से। तो हाइक ने जो है यहाँ पर अपना हाइक टोटल नाम से एक सर्विस है जो कि एयरटेल के आने वाले स्मार्टफोन में आपको देखने वाले मिलने वाली है। तो एयरटेल का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है मेरा पहला स्मार्टफोन। तो यहाँ पर उसमें आपको हाइक टोटल देखने को मिलने वाला है। तो ये हाइक टोटल है क्या दरअसल वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हाइक टोटल है वो एंड्रॉयड का ये कस्टमाइज वर्जन है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शन मिलते हैं हाइक मैसेजिंग वगैरह को, हाइक के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं आप बिना इंटरनेट को। डेफिनेटली यार यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, देखते हैं एयरटेल के साथ टाइप करके हाइक क्या करता है और ये फोन्स कब तक आते हैं, इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है हमारे सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का C9 Pro और C9 थे जो पिछले साल लॉन्च हुए थे, और C10 जो था काफ़ी र्यूमर्स में रहा था। तो यहाँ पर जो है C10 को अंतुतु बेंचमार्किंग वेबसाइट पर जो है स्पॉट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ आपको सैमसंग मतलब कोड नेम इसका है वो है SM C9150 जो कि C10 है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 7.1.1 नोगट मिलता है। लेकिन यार इतनी लेट लॉन्च हो रहा है तो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर ओरियो मिले।
तो देखते हैं और ये डालते हैं या नहीं डालते। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एड्रिनो का 512 आपको देखने को मिलता है जीपीयू, और जो रैम है वो है 6GB की और 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। स्क्रीन साइज की बात करें तो स्क्रीन साइज है आपको फुल HD देखने को मिलती है, और ये जो स्क्रीन है मतलब 16:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ है। तो यार 2018 में लॉन्च हो रहा था, फॉर द सेक ऑफ 2018 उन्होंने 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो रखना चाहिए था। एज माय ओपिनियन यार लोग 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यार बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पर आपको 4000 mAh की देखने को मिल सकती है, और जो प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 33,000 रुपये, जो कि एक अपर बजट सेगमेंट आप कह सकते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली देखते हैं, C9 Pro तो काफी दमदार फोन था, C10 कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है Huawei की फ्लैगशिप सीरीज P सीरीज के P20 के बारे में। तो यहाँ पर जो है FCC जो कि मोबाइल सर्टिफिकेशन वेबसाइट है वहाँ पर इसको स्पॉट किया गया, और यहाँ से मतलब कुछ इमेजेस लीक हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग यार फोन जो है वो आपको पीछे से ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिल रहा है। यार मतलब काफी निराश कर दिया, काफी टाइम से इंतजार कर रहा था मैं शायद ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला फोन आपको पहली बार देखने को मिले। और खास बात यह है कि आपको फ्रंट में 16 नहीं 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा, 2018 में है हम। और यहाँ पर जो है खास बात यह है कि यहाँ पर आपको ऊपर आईफोन 10 की तरह नॉच देखने को मिलने वाला है, जो कि यार पहले मतलब मैंने बताया था उसी लीक्स में, मतलब एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड काफी टाइम पहले, तो वहाँ उसमें बताया था मैंने, और ये मतलब कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है P20 के साथ। जो अगली न्यूज आती है वो आती है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो फ्लिपकार्ट का कार्निवल सेल है, उसमें आपको सैमसंग के फोन जो है वो काफी सस्ते मिलने वाले हैं। यहाँ पर सैमसंग का S7 है, यहाँ पर ऑन नेक्स्ट है, J3 Pro है, और बहुत सारे फोन्स हैं। तो यहाँ पर आप जाके खरीद सकते हैं। जो प्राइसिंग रखी गई है वो S7 की है, वो 22,990 है, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो जाके खरीद लिए, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं ऐसा समझ लिए बहुत अच्छी डील है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास क्लियर फिलहाल। और यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी S7 एज है वो आपको 35,900 का मिल रहा है, जो कि वो भी बहुत सस्ता है। यहाँ पर ऑन नेक्स्ट है जो कि 16GB वेरिएंट है वो आपको 10,000 का मिलेगा, और जो 64GB वेरिएंट है वो मिलेगा 12,000 का। साथ ही साथ जो ऑन मैक्स है 4GB रैम वेरिएंट वाला वो आपको 13,900 का देखने को मिलता है, और जो J3 Pro है वो मिलेगा 6,990 का। तो वो यार मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में कट ऑफ है, यहाँ पर अच्छी खासी कार्निवल सेल चल रही है, जाके खरीदिए फोन्स को। और बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप सैमसंग के फोन्स को प्रेफर करते हैं या नहीं, बताइए। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है वीवो की तरफ से, तो वीवो तैयारी कर रहा है यहाँ पर आईफोन 10 को टक्कर देने की। तो यहाँ पर जो आईफोन 10 से ज़्यादा यहाँ पर आपको देने की तैयारी कर रहा है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जिसकी कुछ मतलब पक्का नहीं है कि वीवो का फ़ोन ये कौन सा है या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, बस फोन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कोई बेजल मतलब नहीं देखने को मिल रही है, मतलब निकलवाइजेबल बेजल्स हैं। और फोन जो है वो डेफिनेटली दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर फ्रंट कैमरा, ईयर पीस और बाकी सामने के सेंसर्स कहाँ हैं, लाइट एम्बिएंट सेंसर वो यहाँ पर वीवो ने कहाँ लगाए हैं इसका कुछ अता पता नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हो सकता है इसके बारे में, ये फ़ोन के ईयर पीस वगैरह कहाँ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है Huawei की तरफ से, तो Huawei के कुछ 4 फोन्स जो हैं वो आपको टीना पर देखने को मिलते हैं, जो टीना मतलब किसी का नाम नहीं है, ये है दरअसल एक चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन वेबसाइट जहाँ पर जो सारे फोन्स जो हैं वो अपनी कुछ पेटेंट्स को दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ फोन्स को सर्टिफाइड करते हैं। तो ये जो फ़ोन हैं उनमें आप देख सकते हैं सभी फोन जो फुल व्यू डिस्प्ले यानी 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो एक फ़ोन है वो आपको सिर्फ एक ही फ़ोन वहाँ पर ऑनर की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलता है। जो फ़ोन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑनर C6 हो सकता है, तो यार डेफिनेटली देखते हैं ओनर 6C आपको कहीं देखने को मिलेगा या नहीं, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ओनर 6C के बारे में आपको क्या लगता है। अगली न्यूज आती है वो आती है हमारे गूगल की तरफ, तो गूगल सर्च से आप पहले फ्लाइट वगैरह बुक कर लेते हो, ऑब्वियसली आप फ्लाइट से आप पहुंच तो जाएंगे जगह पर, लेकिन वहाँ पर ठहरेंगे क्या, यहाँ पर गूगल को ये बात समझ में आ गई। तो गूगल ने जो है अपने सर्च इंजन में एक होटल वगैरह बुक करने के लिए जो है फीचर यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर आप गूगल सर्च में जाके डायरेक्टली आप जाके होटल बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की कुछ कमाल की टेक न्यूज़, आई होप आपको इन वीडियोस में मजा आएगा आज की टेक न्यूज़ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के लिए, लाल सब्सक्राइब बटन मिले दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, सारी बेल आइकन दबाने से होगा जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बढ़िया टेक रिलेटेड वीडियोस और टेक रिलेटेड टेक न्यूज़ लेके रोज आता हूँ यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।